बड़ी खबरों पर। सपा कांग्रेस के बीच गठबंधन के बाद अब इसका असर चुनाव प्रचार में भी दिखने लगा। एक ओर जहां अखिलेश राहुल सहित कई सपा नेताओं की संयुक्त रैली होनी है, वहीं रैली से पहले अब सपा कांग्रेस के नेताओं के पोस्टर भी एक साथ दिखने लगे हैं। जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव ने शर्मनाक बयान दिया। उन्होंने कहा कि वोट की कीमत बेटी की इज्जत से बढ़कर होती है। समाजवादी पार्टी में अपनी पार्टी कौमी एकता दल का विलय करने वाले अंसारी बंधु अब हाथी की सवारी कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा और अंसारी बंधुओं के बीच पार्टी में शामिल कराए जाने को लेकर बातचीत चल रही है। चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी ने एक बार फिर राम मंदिर का मुद्दा उठाया। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने राम मंदिर का मुद्दा उठाते हुए कहा कि बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है तो अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने किच्छा तहसील से नामांकन भरा। बाजपुर में पूर्व मंत्री यशपाल आर्य ने भी अपना नामांकन किया। शाहजहांपुर से बीजेपी कैंडिडेट सुरेश खन्ना ने भी अपना पर्चा भरा। शाहजहांपुर की तेलहर विधानसभा सीट से कांग्रेस के जितिन प्रसाद प्रत्याशी। अमरोहा में समाजवादी पार्टी के नेता और कैबिनेट मंत्री महबूब अली ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। सपा और कांग्रेस में गठबंधन होने के बाद अमेठी में सियासत एकतरफा हो गई है, तेज हो गई है। एक तरफ जहां सपा से अमेठी के गायत्री प्रसाद प्रजापति ने अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की पूर्व विधायक अमिता सिंह भी टिकट बदलने की आस में बैठी हैं। अलीगढ़ में नामांकन करने के आखिरी दिन बरौली से बीएसपी के प्रत्याशी और पूर्व मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने नामांकन दाखिल किया। बाराबंकी में बीएसपी के वीपी सिंह ने कुर्सी विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी अंबिका चौधरी अपने विधानसभा क्षेत्र फेफना पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। मुजफ्फरनगर की 6 विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान ने मंगलवार को अपना नामांकन दाखिल किया। बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के बेटे सौरभ बहुगुणा ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरण मेनन्दा ने 25 उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी की है। बीजेपी के रुद्रप्रयाग विधानसभा से प्रत्याशी भरत चौधरी ने भारी जनसमर्थन के बीच अपना नामांकन दाखिल किया। मेरठ में बीजेपी का गढ़ कहे जाने वाली कैंट विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी सत्येंद्र सोलंकी ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। चुनावी दौर में सपा ने राज्यसभा सांसद जावेद अली खान को अपना स्टार प्रचारक नियुक्त किया है। बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।